आज हम बनाएंगे मटर मखानी की स्पेशल सब्जी, पार्टी स्टाइल, सभी को पसंद आने वाली। और जब बाजार में हरी मटर मिल रही हो तो इस सब्जी को बनाना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मखाने रोस्ट करेंगे, फ्लेम ऑन। इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच घी। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी मेल्ट हो गया। मेल्ट घी में डाले 1.5 कप मखाने, वजन में 30 ग्राम। इन्हें लगातार चलाते हुए क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। मखाने भूनने से पहले थोड़ा सा घी डाल लिया जाए तो इन्हें भूनने में बहुत आसानी होती है और ये ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। इन्हें भूनते समय फ्लेम लो मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूने, वरना ये ऊपर से काले पड़ने लगेंगे और अंदर से क्रिस्प नहीं होंगे। इन्हें हमने 8 मिनट रोस्ट कर लिया, चेक कर लेते हैं। तो एक मखाना उठाया, इसको तोड़ कर देखते हैं। और ये देखिए कितना एकदम पाउडर बन गया, ये अच्छे क्रिस्प हो गए। बस ऐसे ही भुने मखाने चाहिए। फ्लेम बंद कर दी और ये मखाने प्याले में निकाल लिए। और सब्जी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन कर दी। इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। गरम तेल में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा और फ्लेम को धीमा कर देंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 2 टमाटर, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 15 काजू। इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला ऑयल नहीं छोड़ने लगता। इसे हमने 2 मिनट भून लिया। अब डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है और तीखी नहीं ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा सब्जी में। अगर आपको ज़्यादा तीखी सब्जी खानी है तो मिर्च और डाल सकते हैं। और ये 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और ये मसाले भून रहे हैं, इनके साथ में हम डाल देते हैं हरे मटर के दाने। 1 कप मटर के दाने हैं ये। 350 ग्राम मटर को छील कर ले लिया है, मिक्स कर देते हैं। मसाला भी भुनेगा और साथ में ये मटर के दाने भी कुक हो जाएंगे। और इन्हीं के साथ डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा ये मोटा मोटा पार्ट रह जाएगा उसे हटा लीजिए। कसूरी मेथी मसालों के साथ भुन जाती है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हम ढककर 2-3 मिनट कुक करेंगे, फिर चलाएंगे। ढकने से मटर जल्दी से कुक हो जाती है। और 2 मिनट कुक करने के बाद इसे खोलेंगे और चलाएंगे जरूर, क्योंकि मसाला कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। फिर से ढक देते हैं और कुक कर लेते हैं। मटर को चेक कर लेते हैं, मटर मैश होने लग गई है। और आप देख रहे हैं मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भी भुन गया। इसे हमने 2-2 मिनट ढक करके 3 बार कुक कर लिया और थोड़ा सा खुले में कुक कर लिया। अब इसमें डालते हैं पानी 1 कप और 1/2 कप और, यानी 1.5 कप पानी डाल दिया हमने इसमें। सब्जी की ग्रेवी को आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा गाढ़ा या थोड़ा पतला, जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब इसे ढककर 2-3 मिनट कुक करते हैं, उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ रहा है, इसे 3-4 मिनट तक धीमी गैस पर ऐसे ही उबलने देते हैं। ये ग्रेवी हमने काजू और टमाटर से बनाई है। आप अपनी पसंद के अनुसार ग्रेवी को खरबूजे के बीज डालकर, खसखस डालकर, या फिर मावा से, क्रीम और मलाई से, या फिर सादा ग्रेवी प्याज टमाटर की, जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। और इन ग्रेवी को अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है, इसके लिए वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब इसे ढककर धीमी गैस पर 4-5 मिनट तक कुक होने देंगे। इसे हमने 5 मिनट कुक कर लिया और देखिए ग्रेवी अच्छी गाढ़ी भी हो गई है, कलर और टेक्सचर भी अच्छा आ गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब डालेंगे ये मखाने।
मखाने सबसे बाद में डालिए, क्योंकि अगर आप इन्हें जल्दी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कुक हो जाते हैं और फिर उतने अच्छे नहीं लगते। मखाने डालकर बस एक मिनट कुक कर लीजिए। और इसी के साथ डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर दी, निकालते हैं इसे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, और ये मटर मखाने की सब्जी बनकर तैयार है। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनी है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप मखाने रोस्ट करें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो इसे आप फटाफट बना डालिए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।